सौतेली बेटी और जादुई लिपस्टिक का पेड़। अरे ओ करमचली, कहाँ मर गई? आज घर में खाना भी बनेगा या मैं भूखे ही मरने का इरादा है? सौतेली माँ के इतना चिल्लाने के बाद भी तुलसी के कमरे से कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद तुलसी की सौतेली माँ बिमला उसके कमरे में जाती है, जहाँ तुलसी जमीन पर सो रही होती है। बिमला गुस्से से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती है, जिससे तुलसी की नींद खुल जाती है। माँ, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरा पूरा बिस्तर खराब कर दिया। कमीनी, एक घंटे से बाहर चिल्ला रही हूँ और तू यहाँ आराम से घोड़े बेचकर सो रही है। माँ, वो दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए आंखें नहीं खुली। बहुत अच्छा बहाना बनाया है तुमने, लेकिन ये सब नौटंकी यहाँ नहीं चलेगा। अब जल्दी से उठ और जाकर हम सब के लिए खाना बना, समझी? ठीक है माँ। तभी तुलसी की सौतेली बहन तानिया कहती है, माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुनाई दिया तुम्हें? मेरी बेटी के सर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से जा और सबसे पहले उसके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर ले आ। तुलसी किसी तरह से किचन में जाकर खाना बनाने लगती है, तभी तुलसी के पिता त्रिपुरारी वहाँ पर आते हैं। अरे बेटी, तुम इतनी गर्मी में रसोई में क्या कर रही हो? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे बिमला, तानिया, कहाँ हो तुम लोग? अरे क्या हुआ, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो? कोई आसमान टूट पड़ा है क्या? अरे बिमला, उसी की तबीयत खराब है, कम से कम आज उसे आराम कर लेने देती। देखो तो उसे कितना बुखार है। बुखार उखार कुछ नहीं है, सब काम न करने के बहाने हैं। और तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी काम से कैसे वापस आ गए? मेरा काम छूट गया। बस यही सुनना बाकी रह गया था। कितनी मुश्किल से मेरे भाई ने तुम्हें ये जॉब दिलवाई थी, लेकिन तुम्हारे बस का वो भी नहीं रहा। अरे कब तक मेरे भाई के टुकड़ों पर पलते रहोगे? बस करो बिमला, तुम्हारा भाई जिस फैक्ट्री पे अपना हक जमा कर बैठा है वो मेरा ही है। वो सब छोड़ो और जाकर खाना बना लो। तुलसी बेटी, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई दिलाकर लाता हूँ। तबीयत तो मेरी बेटी तान्या की भी खराब है, सुबह से ही उसके सर में दर्द है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? तुम्हें तो बस अपनी इस मनहूस बेटी की परी है ना? लेकिन मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो तुम दोनों को मेरे हिसाब से रहना होगा, जैसा मैं कहूँगी वैसा करना होगा। तुलसी, तू कहीं नहीं जाएगी, थोड़ा घर का काम करेगी तो तबीयत अपने आप सही हो जाएगा। और तुम जाकर अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढो। सबको बस मुफ्त में खाने की बीमारी लग गई है। त्रिपुरारे को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेटी तुलसी से बहुत प्यार करता था और उसी की खातिर उसने बिमला से दूसरी शादी की थी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। यही सोच सोच कर त्रिपुरारी बीमार रहने लगा। त्रिपुरारी का देख रेख करने वाला भी तुलसी के सिवा वहाँ कोई नहीं था। तुलसी पूरे दिन घर का काम करती, उसके बाद का समय वो अपने पिताजी की सेवा करती। एक दिन त्रिपुरारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बेटी, लगता मेरा अंतिम समय आ गया है। बेटी, मेरे जाने के बाद बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारना बेटी। याद रखना, खाली अंधेरी रात के बाद एक अच्छा सवेरा जरूर आता है। इतना बोलकर त्रिपुरारी ने अंतिम सांस ली। पिता की मृत्यु के बाद बिमला और तान्या का अत्याचार तुलसी के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन तुलसी चुपचाप उन सबके अत्याचार को सहते रहती है। एक दिन तान्या तुलसी से कहती है, सुन मनोज, तेरे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। कल शाम को इस गांव के सबसे बड़े जमींदार जी अपने बेटे के लिए मुझे देखने आ रहे हैं। तान्या, ये तो बहुत खुशी की बात है और ये तो बहुत अच्छी खबर है। नहीं, ये अच्छी खबर सिर्फ मेरे लिए है, तुम्हारे लिए तो ये बुरी खबर ही है, क्योंकि मेरी माँ तुम्हारी शादी तो करवाने वाली नहीं है, इसलिए तुम्हें अपना पूरा जीवन यही रहकर मेरी माँ की सेवा करनी है, समझी? तू हमेशा से ही इस घर की सिर्फ एक नौकरानी थी और नौकरानी ही रहेगी। आई बड़ी खुश होने वाली। इतना बोलकर तान्या वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिमला तुलसी से कहती है, अरे ओ मनुष, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ मर गई। जी माँ। मेरी बात को ध्यान से सुन, शाम को जमींदार जी मेरी बेटी तान्या को देखने आ रहे हैं, तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दे और सबके लिए खूब बढ़िया बढ़िया पकवान और नाश्ते का भी इंतजाम कर दियो,
समझ गई? तब तक हम दोनों माँ बेटी पार्लर से तैयार होकर आते हैं। ठीक है माँ। देखिए जी, मैं अपने इकलौते बेटे के लिए सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए जो मेरे घर को अच्छे से संभाल सके। जी, आप जो ढूंढ रहे हैं वो सारा गुण मेरी बेटी में है। आज आप लोग आने वाले थे ना, इसलिए सुबह 4 बजे ही उठकर घर का सारा काम किया है मेरी बेटी ने और सारा खाना भी उसी ने बनाया है। तभी वहाँ पर तुलसी सबके लिए खाना लेकर आती है। अरे खाइए खाइए, और खाकर बताइए कैसा बना है। सब मेरी बेटी तानिया ने अपने हाथों से बनाया है। ये लड़की कौन है? अरे ये तो हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी? ए लड़की, तू अभी तक यहीं पर खड़ी है? जा जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। हाँ तो बताइए, रिश्ता पक्का समझे? तभी जमींदार और उसका बेटा आपस में कुछ बात करता है। नहीं नहीं, हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। हम जिस लड़की को आपकी बेटी समझकर यहाँ आए थे वो तो ये है ही नहीं। हम अभी चलते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद जमींदार और उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। माँ, ये सब इसकी वजह से हुआ है। जब तक ये मनु सबके सामने नहीं आई थी तब तक सब मुझे देखकर कितने खुश थे, और जैसे इस मनु ने यहाँ कदम रखा सब मुझे ना पसंद करके चले गए। जरूरी से ने कुछ किया है माँ। कल मुही करम चली, क्या जरूरत थी तुझे सबको अपना सुंदर सा थोबरा दिखाने की? तू अपना मुंह ढककर भी तो आ सकती थी। हम मैं समझ गई माँ, कल मैंने इसे कहा था कि माँ तेरी शादी कभी नहीं कराएगी, इसी वजह से आज ये इतना सच सबर कर सबके सामने आकर मेरा रिश्ता तुड़वा दी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। और फिर उसके बाद बिमला कढ़ाई का गरम तेल लेकर तुलसी के मुंह पर डाल देती है, जिससे तुलसी का चेहरा पूरी तरीके से जल जाता है और वो दर्द से चीख पड़ती है। अब रोना धोना बंद कर और बाजार से जाकर सब्जी ले आ। तुलसी रोते रोते बाजार जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जमींदार का बेटा मिलता है। सुनो, तुम वही हो ना जिसके लिए मैंने उस लड़की का रिश्ता ठुकरा दिया? मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो मामूली सी बदनसीब नौकरानी हूँ। किसके लिए तुम झूठ बोल रही हो और क्यों बोल रही हो? मैं जानता हूँ तुम बिमला की सौतेली बेटी हो और उन लोगों ने ही तुम्हारे साथ ये बदसुलूकी की है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मेरी इस बदसूरती की वजह से ये समाज और आपके पिताजी कभी मुझे नहीं अपनाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। उसके बाद जमींदार तुलसी को अपने साथ एक जादुई अम्मा के घर ले जाता है। अम्मा, अम्मा ये देखिए, यही मेरी आने वाली पत्नी है। बहू बहू, तो चांद का टुकड़ा ढूंढा है तुमने बेटा, लेकिन ये क्या? बेटी, तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ? ये सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू आ जाता है। रोते नहीं बेटी, अंधेरी रात के बाद ही सुबह आता है, और तुम्हारी जिंदगी का भी अब सारा अंधेरा खत्म हो चुका है। ये देखो, ये जादुई लिपस्टिक का पेड़ है। तुम सच्चे मन से इस पेड़ से एक लिपस्टिक तोड़कर अपने होठों पर लगा लो, उसके बाद चमत्कार देखो। उसके बाद तुलसी जैसे ही उस जादुई पेड़ में से एक लिपस्टिक तोड़कर अपने होठों पर लगाती है, लिपस्टिक लगाते ही तुलसी पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। ये लो बेटी, ये एक डंडा है। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक ये डंडा तुम्हारी उस सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन से तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसके बाद जमींदार तुलसी से अपना रिश्ता पक्का करके तुलसी के घर से चला जाता है। तो ये कलमुही घर से बाहर जाकर जमींदार के बेटे के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, और मैं किसी भी हाल में तेरी उस जमींदार के बेटे से शादी नहीं होने दूंगी, समझी? जा और जाकर घर का सारा काम कर। तभी वो डंडा जोर जोर से दोनों माँ बेटी को मारने लगता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? अरे कोई रोको इसे। माँ, माँ इसे रोको, बहुत तेज लग रही है माँ। ओ
अगर अब से तुमने तुलसी को परेशान किया तो तुम दोनों की खैर नहीं। अभी से शादी होने तक तुलसी घर का कोई काम नहीं करेगी और घर का सारा काम तुम दोनों करोगी, तुम दोनों समझी? नहीं, हाँ करूंगी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। हाँ मैं भी करूंगी, मैं अब तुलसी को कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। उसके बाद कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे के साथ तुलसी की शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। गरीब लड़की का जादुई शादी का लहंगा। गंगापुर गांव में बिंदिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। बिंदिया दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। गांव के सभी लड़के उसकी खूबसूरती के पीछे पागल रहते थे, जिस वजह से गांव के बाकी की लड़कियां बिंदिया से जला करती थी। एक दिन बिंदिया नदी से पानी भरने के लिए जा रही थी, तभी करिश्मा नाम की एक लड़की कहती है, बिंदिया तू चाहे दिखने में कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, हो तो आखिर गरीब भिखमंगी ही ना, और वही रहोगी, तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती, समझे? हम चाहे दिखने में कैसे भी हो लेकिन हम तुमसे बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। करिश्मा, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके साथ बहुत ही खुश हूँ। नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते, वो तो तुम्हें अपने घर का बोझ समझते हैं, और देखना वो बहुत ही जल्दी तुम्हारी शादी कराकर तुम्हें अपने घर से निकाल फेंकेंगे। ये बोलकर सभी लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है। ये देखकर बिंदिया उदास हो जाती है और वो नदी से पानी भरकर घर आ जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है। एक दिन बिंदिया की माँ उससे कहती है, बिंदिया बेटी, शहर से तेरे मामा का कॉल आया था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घर में तेरे लिए रिश्ते की बात की है। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, और हाँ आप भी फोन करके मामा को मना कर दो। ये कैसी बात कर रही है बेटी, इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा रिश्ता मिला है, वे लोग बहुत ही खानदानी और रईस हैं, और तो और उन्हें दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए, तेरी शादी होगी तो उसी घर में होगी। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं शहर जाना चाहती हूँ, मैं शहर जाकर वहाँ नौकरी करूँगी और आपकी और पापा की अच्छे से देखभाल करूँगी। बंद कर अपनी ये बकवास, मैंने और तेरे पिता ने पहले ही फैसला कर लिया है, तेरी शादी होगी तो उसी लड़के से होगी, अब फालतू की बकवास नहीं, समझी? इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिंदिया रोते हुए अपने बॉयफ्रेंड बंटी के पास जाती है और बोलती है, बंटी मैं ये शादी नहीं करना चाहती, कुछ करो बंटी, मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी मैं तुमसे ही करना चाहती हूँ, अब तुम ही कुछ करो। ये तुम क्या कह रही हो बिंदिया, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो अभी कोई जॉब भी नहीं है, फिर मैं तुम्हारे घर वाले से किस मुंह से तुम्हारे रिश्ते की बात करूँ। बिंदिया तुम कुछ दिन और इंतजार करो, मैं अगले हफ्ते ही शहर जा रहा हूँ, वहाँ जाकर पहले अपनी जॉब देखता हूँ, फिर गांव आकर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। लेकिन बंटी इस बीच अगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, विश्वास करो। बंटी बिंदिया को दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन बिंदिया को देखने लड़के वाले आते हैं और लड़के की माँ कहती है, बेटी तो आपकी बहुत ही सुंदर है बहन जी, बस मेरा घर और मेरे बेटे को संभाल ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटी खाना तो पका लेती हो ना? हाँ मैं सब कुछ पका लेती हूँ, आप जो बोलोगी मैं वो सब पका दूंगी। हाँ हाँ बहन जी, बहुत ही मेहनती है मेरी बेटी, ये जो सब कुछ भी आप लोग खा रहे हैं ना, ये सब मेरी बेटी ने ही बनाया है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है मेरी बेटी। ठीक है बहन जी, लड़की हमें पसंद है, हम अगले ही हफ्ते शादी करना चाहते हैं। अगले हफ्ते? बहन जी इतनी जल्दबाजी में मैं सारा इंतजाम कैसे करूंगा, कुछ समय और दे दीजिए। देखिए भाई साहब, अगले महीने मेरे बेटे को काम के सिलसिले में विदेश जाना है, तो हम चाहते हैं बेटे के जाने से पहले ही उसकी शादी हो जाए, अगर आप लोग अगले हफ्ते
शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं और रिश्ता देख लेंगे। वैसे भी मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप लोग तो खामखाई गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते ही शादी का इंतजाम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। उसके बाद वे लोग रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। बिंदिया अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। मैं अभी ये शादी नहीं करना चाहती, मैं तो बंटी से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से शादी नहीं करूँगी। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हे भगवान मेरी मदद करो। इधर बिंदिया के माता पिता अपना घर गिरवी रखकर अपनी बेटी की शादी की सारी तैयारियां करते हैं। बिंदिया की शादी में अभी 2 दिन ही बचे थे, तभी लड़के की माँ की बिंदिया की माँ के पास फोन आता है। हेलो बहन जी, सुनिए लड़की का लहंगा आप लोगों को ही खरीदना पड़ेगा, हम लोग लड़की का लहंगा नहीं लाएंगे, इसलिए आज ही उसका लहंगा बनवा लीजिएगा। लेकिन बहन जी उस दिन तो आपने कहा था लड़की का लहंगा आप लेकर आएंगी। नहीं नहीं, लहंगा आप लोगों को ही देना पड़ेगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यही बताने के लिए फोन किया था, अब रखती हूँ। उसके बाद लड़के की माँ फोन रख देती है। ये खबर सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। बिंदिया की माँ, सारे पैसे तो शादी की तैयारी में ही खर्च हो गए, अब लहंगा किस पैसे से खरीद कर लाएंगे? देख लिया ना माँ आपने, मैंने पहले ही कहा था मैं ये शादी नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, ये लोग भी बाकी सबकी तरह ही निकले ना। ये बोलकर बिंदिया नदी के किनारे चली जाती है और वहीं बैठकर बंटी को याद करके खूब रोती है। तभी बिंदिया देखती है नदी में एक बक्सा बह रहा है। बिंदिया उस बक्से को पानी से निकालकर उसे खोलती है। बक्से को खोलते ही बक्सा चमक उठता है और उस बक्से के अंदर से एक बहुत ही सुंदर परी बाहर आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने आज बरसों के बाद मुझे इस बक्से से आजाद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आप कौन है आप, और आप इस तरह बक्से के अंदर कैसे जिंदा रह रही थी? मैं परी लोक की विशाखा परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने धोखे से इस बक्से में बंद कर दिया था, लेकिन आज तुमने मुझे इस बक्से से आजाद कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं परी जी, कल मेरी शादी होने वाली है और मैं अपनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बिंदिया ये लो, ये तुम्हारी शादी का जादुई लहंगा है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है। जाओ बेटी, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिलेंगी। उसके बाद वो परी जादुई लहंगा देकर वहाँ से गायब हो जाती है। मेरी खुशियाँ तो बंटी से ही थी परी जी, लेकिन ये शादी करने के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से नहीं बल्कि गम से भर जाएगी। खैर, उसके बाद बिंदिया वो लहंगा लेकर घर आ जाती है और अपने माँ पिताजी को वो लहंगा दिखाती है। लहंगा देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन बिंदिया अभी भी बहुत उदास थी। वो अपने कमरे में जाकर फिर से रोने लगती है। वो पूरी रात बंटी को याद करके बहुत रोती है। अगले दिन बारात आती है, बिंदिया अपना लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। सभी लोग बिंदिया के लहंगे की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी लड़के की माँ बिंदिया के माता पिता से कहती है, देखिए भाई साहब, उस दिन तो हम लोग जल्दबाजी में लेन देन की बात करना ही भूल गए थे। वैसे तो हमारे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है, लेकिन हमने आपकी बेटी को पसंद किया है तो इसलिए अभी आपको दहेज में सिर्फ 5 लाख रुपए ही देने होंगे, तभी ये शादी हो पाएगी। बहन जी, इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे? देखिए, वो सब तो मैं नहीं जानती, अगर पैसे नहीं दिए फिर ये शादी भी नहीं होगी, हम लोग अभी बारात वापस लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, गरीब बाप पर थोड़ा तो तरस खाइए। तभी बिंदिया गुस्से में वहाँ आ जाती है और बोलती है, बहुत हो गया आप लोगों का, मैं कब से आप लोगों की बकवास सुने जा रही हूँ। आप लोग यहाँ शादी करने आए हैं या फिर अपने बेटे का सौदा करने? अरे
आप क्या ये रिश्ता तोड़ के जा रही हैं? मैं खुद ही आप जैसे लालची लोगों के घर शादी ही नहीं करना चाहती। अरे लड़की, अरे इस लड़की की तो अभी से ही जुबान कैची की तरह चल रही है। अगर ऐसी लड़की से हमारे बेटे की शादी हो जाती फिर हमारा क्या होता? चल बेटे, हमें ये शादी नहीं करनी। जादुई लहंगा, चल दिखा अपना कमाल इन लालची माँ बेटे की वो हालत कर, ताकि ये कभी जिंदगी में किसी से दहेज लेने से पहले 100 बार सोचे। बिंदिया के इतना कहते ही जादुई लहंगा उन दोनों माँ बेटों को हवा में उल्टा लटका देती है। बेटे, हमें माफ कर दो बेटे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नीचे उतारो, हम अब कभी किसी से दहेज नहीं लेंगे, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। बेटी छोड़ दे इन्हें दो। अपने पिता की ये बात सुनकर बिंदिया उन्हें छोड़ देती है और वे लोग मारे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। बिंदिया की माँ रो ही रही थी तभी उधर से बंटी आता है और कहता है, अंकल आंटी रोइए मत, मैं आपकी बेटी बिंदिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपकी बेटी बिंदिया से शादी करूँगा। ये सुनकर बिंदिया बहुत ही खुश हो जाती है। हाँ माँ पापा, मैं भी बंटी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी बंटी से शादी करना चाहती हूँ। शायद मुझे मेरे प्यार से मिलाने के लिए ही उस परी ने मुझे ये जादुई लहंगा दिया था और ये सब इसी जादुई लहंगे की वजह से हुआ है। उसके बाद बिंदिया सभी को उस जादुई लहंगा के बारे में बताती है। सभी लोग को बंटी भी पसंद आ जाता है और फिर बड़े ही धूमधाम से उसी मंडप पर बिंदिया और बंटी की शादी हो जाती है और बिंदिया खुशी खुशी बंटी के साथ रहने लगती है।